अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सी टू सी साइट्स के बारे में, कि सी टू सी साइट्स कौन सी होती हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या क्या किया जा सकता है, क्या हम सी टू साइट्स कोई कोर्स है, क्या चीज़ है सी टू सी साइट्स ई कॉमर्स के अंदर। मैंने आपको बताया था कि हम ई कॉमर्स के अंदर चार टाइप्स पढ़ेंगे, बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी एंड सी टू बी, एंड फ्री लांसिंग हम करेंगे इनके बारे में। ये टोटल ई कॉमर्स होता है, तो उसके अंदर जो सी टू सी साइट होती है, जिसके अंदर पैसा कमाया जाता है, जिसके अंदर डील्स होती हैं, वो सी टू सी साइट्स कौन सी होती हैं। यहाँ पर मैंने इनका नाम का जो वर्ड है ना, ये वर्ड जिसके अंदर लगे हैं सी टू एंड सी, इसका मुखफ्फफ लिखे हुए हैं, यानी किस चीज़ से बनता है, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो आता है ये सी, ठीक है, तो इसको हम कस्टमर में लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टू आता है उसे डील कहते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है उसको हम जो है कह लेंगे सी आता है, उसको भी हम कस्टमर के अंदर लेते हैं। तो जब एक कस्टमर किसी कस्टमर के साथ डील करे, एनी कस्टमर हो, कस्टमर मीन के एक दुकान वाला है, वो परचून का काम करता है, तो वो एक बिजनेसमैन है और आपसे कस्टमर की तरह डील करता है, तो वो बी टू सी साइट आएगी। लेकिन जब एक कॉमन इंसान किसी कॉमन इंसान से, यानी जिसकी कोई शॉप नहीं है, कोई नहीं है, बगैर शॉप के वो वैसे कैजुअली किसी के साथ डील करता है, तो वो सी टू सी साइट्स के अंदर करता है। एग्जाम्पल दूँ आपको, आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया, आपने कोई बाइक ली, या आपने कोई बुक ली, या कोई भी चीज़ आपने ली, लेने के बाद आपने साल यूज़ की, दो साल यूज़ की, तीन साल यूज़ की, जितनी आपकी डिपेंडेंट अपॉन योर माइंड सेट के, आपका जितना माइंड किया, जितना आपने उसको यूज़ किया, उसके बाद आपका दिल किया मैं उसको सेल कर दूँ, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, आप अपने पास नहीं रखना चाहते, तो आपने सेल करने के लिए आपने उसको लगा दिया, ठीक है। तो कोई आएगा, उसको पसंद आई, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, किसी तरह का आपने रब्ता किया होगा, जैसे भी होगा किसी ने कॉन्टैक्ट किया, आपसे उसने रब्ता किया और आपसे उसने वो चीज़ खरीद ली, तो तुम आप दोनों के दरमियान एक जो रिलेशन बना है ना, ना तो वो आपको जानते हैं, ना आप उसको जानते हैं, ना आपने कोई डील की है, ना आपने बिजनेसमैन की तरह की है, कस्टमर की तरह आए थे, आप भी कस्टमर थे, वो भी कस्टमर था, तो उन्होंने मिलकर आपस में डील कर अपनी चीज़ सेल कर ली। तो ये सी टू सी साइट्स के अंदर आता है, ठीक है, आई होप आपका माइंड सेट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर, ऑनलाइन दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो ये प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, ये सर्विस, यानी आप सेल करना चाहते हैं। अभी तक दुनिया में सी टू सी साइट सिर्फ एक ही बनी है, जिसका नाम है OLX। अब OLX का सुनकर आपको शायद, अगर आप जानते हो OLX के बारे में, OLX क्या है, तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो आपको क्या बताऊँ कि OLX एक ऐसी साइट है जिसके अंदर लोग सेकेंड हैंड अपनी चीज़ें सेल करते लगा देते हैं और लोग वहाँ से ख़रीद लेते हैं, तो ये सी टू सी साइट्स के अंदर आ जाता है। दुनिया में अभी तक सी टू सी साइट सिर्फ एक ही बनी है, OLX। इसके अलावा और दुनिया में अभी तक कोई भी सी टू सी साइट नहीं बनी। OLX आप रिसर्च करके देख सकते हैं, OLX क्या चीज़ है गूगल पे, तो आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा व्हाट इज़ द सी टू सी साइट्स इन ई कॉमर्स एंड हाउ टू मतलब ई कॉमर्स के अंदर सी टू सी साइट क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारे आने वाली सब्सक्राइब करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँची रहेंगी और आप उसको देख सकेंगे और रसाई से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।